मानसून की प्रभारी बारिश होने के बाद किसानों के खेतों में खरीफ फसलों की बुवाई करना प्रारंभ हो गई है, जिसके साथ किसान बाजार से बाजरा का संकर बीज खरीदने की शुरुआत कर चुके हैं। व्यू इसी क्रम में किसान को अच्छा बीज मिल सके, इसी के लिए कृषि विभाग एवं प्रशिक्षित कंपनियों ने किसानों को अच्छे बीज हेतु प्रशिक्षण में बताया कि जून माह के अंत में किसान भाई मध्यम अवधि में पककर तैयार होने वाला बाजरा का बीज का ही उपयोग करें। कृषि मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि जो किसान जुलाई में बाजरा बिजाई करना चाहते हैं, उन्हें बाजरा में उपलब्ध 86M94 बाजरा बीज का प्रयोग करना चाहिए, जो कि भारत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के लिए अनुमोदित है और अच्छी पैदावार के साथ ज्यादा चारा भी मिलता है। यह बाजरा अन्य बाजरा बीजों की तुलना में ज्यादा पैदावार एवं चारा देता है तथा जल्दी पककर तैयार भी हो जाता है, जिससे किसानों को मंडी में जल्दी बाजरा बेचने में आसानी होती है। पायोनियर बीज के असली पैकेट की पहचान के बारे में भी बताया, जिससे असली पैकेट की पहचान करके बीज का चुनाव किया जा सके। पायोनियर के पैकेट पर चांदी की पट्टी, QR कोड, टोल फ्री नंबर, अदृश्य शब्द के द्वारा पहचान करके ही खरीदना चाहिए। इस प्रयोग की कंपनी द्वारा भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सहित पूरे राजस्थान में किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। कॉर्टेवा पायोनियर द्वारा किसानों के हित में किए जा रहे इस प्रयास को कृषि विभाग द्वारा भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्षा की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक बताते हैं, किसान भाइयों को अच्छी बरसात होने के बाद जमीन में उपयुक्त नमी हो गई हो तब बाजरा की बुवाई कर देनी चाहिए एवं मध्यम अवधि के बाजरे बीज की ही बुवाई करनी चाहिए। किसानों की जागरूकता हेतु पायोनियर सदैव तत्पर रहती है। इसी क्रम में संजय जी त्यागी, श्यामवीर चौधरी, सूर्य प्रकाश के संरक्षण में किसानों को उत्कृष्ट पायोनियर बीज 86M94, 86M90, 86M95 उपलब्ध कराया गया। स्थानीय बीज वितरण भी किसानों की पहली पसंद पायोनियर बाजरा बीज उपलब्ध करवा रहा है। किसान बरसात होने से बहुत खुश हैं। इस वर्ष अच्छे मानसून के बारे में मौसम विभाग द्वारा बताया गया है। भरतपुर से कैमरा पर्सन मनीष शर्मा के साथ सतीश सारस्वत की रिपोर्ट।